खरगोन जिले के हजारों किसानों के खाते में शनिवार को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि समारोह पूर्वक अंतरित की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सिंगल क्लिक कर यह राशि प्रदेश सहित जिले के किसानों के खाते में अंतरित की है। सीएम के कार्यक्रम को देखने के लिए कृषि उपज मंडी के किसान भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां चिन्हित किसानों को अतिथियों ने प्रतीकात्मक रूप से 2,000 रुपए के चेक से लाभान्वित किया। इस दौरान प्रोजेक्टर पर सीएम की सभा को सुना गया, जिसमें सीएम ने कहा कि आमजन को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलता रहे, इसके लिए भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार प्रयासरत है। इस अवसर पर अपर कलेक्टर SDM ओम नारायण सिंह, पूर्व विधायक बाबूलाल महाजन, नगरपालिका अध्यक्ष छाया जोशी सहित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। किसान योजना के अंतर्गत आप लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है, उसमें मैं आपको बता दूं, जो भाई साहब ने बोला है कि किसान जब 2003 के पहले की बात बताती हूँ, उससे भी पहले की बात बताती हूँ आपको, कि जब हमारे यहाँ खेतों में पानी नहीं था और कहीं किसी किसी के यहाँ कुएं हुआ करते थे, वहाँ पर दो फसलें लिया करते थे, और उस समय में वो किसान बहुत समृद्ध और बहुत बड़ा माना जाता था, गांव का पटेल माना जाता था। वो गांव के पटेल को हम बोलते थे कि बहुत पैसे वाला है, इसके खेती में मतलब अनाज भी खूब है, उनका घर की समृद्ध, उनको घर को देख के हमको ऐसा लगता था कि हम कहीं नहीं है वहाँ पर। उस समय में मैं बता रही हूँ, एक फसल होती थी और उस फसल से हम जो मिलता था उसको साल भर उस पैसे को चलाते थे, उस पैसे से खेती भी करते थे और खाना भी हम मतलब उसी से अपना जीवन यापन करते थे। वो समय मुझे याद है, जो कुछ हुआ उसमें कांग्रेस, उसमें किसान की हालत धीरे 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 इतनी खराब हो गई कि मुझे याद है जब 2003 के पहले का दृश्य, जब किसानों की फसल चौपट कर दी जाती थी, भूमि विकास बैंक का लोन होता था और जब उसकी वसूली के लिए उनकी गाड़ी आती थी तो किसान घर पर ताला लगा के भाग जाया था, क्योंकि उनके पत्रे खींच लिए जाते थे, उनके ढोर ले जाए जाते थे, उनकी मोटरें जब्त हो जाती थी, क्योंकि किसान कर्जे में इतना दबा हुआ था कि वो कर्जे में ही पैदा होता था और कर्जे में ही मर जाता था और उसके बेटे को भी कर्जे ही ले जाता था। यह हालत हिंदुस्तान की थी 2003 के पहले की हालत में आपको जिक्र कर रहा हूँ। बिजली थी नहीं, कहीं से कहीं तक बिजली का पता नहीं था, सड़कें थी नहीं, स्वास्थ्य की कोई सुविधाएं थी नहीं, लेकिन उसके बाद जो परिवर्तन आया 2003 के बाद, लगातार हम देखते हैं कि बराबर बिजली मिलने लगी, बिजली का भी जो बिगड़ा हुआ उसके माता हुआ, सड़कों का भी हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ग्रामीण स्तर तक सड़कों का निर्माण किया, और धीरे 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 किसान क्या, आज अपन जब गाँव में जाकर देखते हैं तो किसानों के भवन, बड़े बड़े किसानों के भवन बन चुके हैं। आज 24 घंटे उनको बिजली मिल रही है, हर समय बिजली मिल रही है, पीयत का पूरा साधन हो गया है। यहाँ पर अपने यहाँ खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के द्वारा, भिष्टान उद्वहन सिंचाई के द्वारा लगातार किसानों को पीयत का लाभ मिल रहा है। पहले सिर्फ 4 महीने फसल आती थी और बाकी 8 महीने कोई फसल वही नहीं आती थी। आज ये स्थिति है कि किसान 3-3 बार फसल ले रहा है, तो किसान की आमदनी डबल हो, किसान आगे बढ़े, क्योंकि किसान इस देश की रीढ़ है। 75% इस देश के अंदर किसान निवास करते हैं। यदि किसान की माली हालत सुधरी तो निश्चित रूप से देश आगे बढ़ेगा पूरा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।